देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द एंगल, मतलब एंगल मतलब थीटा में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स पी, टू इक्वल फोर्स, दो इक्वल फोर्स है पी, दियर रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी रूट टू, जिसका दो इक्वल फोर्स है, दो इक्वल फोर्स लग रहा है, दो इक्वल फोर्स है, एक इधर फोर्स लगा हुआ है, एक इधर फोर्स लगा हुआ है, तो इसका थीटा कितना होगा, इसका थीटा हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, जिसका ये है पी दिया हुआ है एक, और दूसरा हम हमारे पास भी पी ही दिया हुआ है, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट मिला है हम लोग पास, जो रिजल्टेंट है वो पी रूट टू मिला हुआ है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला क्या होता है, एफ मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को आर अगर लिख देते हैं, रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर होता है, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला बनेगा। तो रिजल्टेंट हम लोग को पता है, इसमें दिया हुआ क्या, रिजल्टेंट हम लोगों को दिया हुआ है आर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, पी रूट टू दिया हुआ है, उसके बाद इक्वल फोर्स मतलब दो इक्वल फोर्स दिया हुआ है, मतलब कि एफ वन भी दिया हुआ है एफ टू भी इक्वल ही है, पी और पी दोनों इक्वल है। अब तो हमें इसमें तो एफ वन एफ टू भी मालूम हो गया, बस थीटा फाइंड आउट करना है, आर भी मालूम हो गया, तो आर दिया हुआ है, इस फॉर्मूला पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर इक्वल्स टू हमारे पास होगा पी रूट अंडर टू, पी रूट अंडर टू और इक्वल्स टू अंडर रूट एफ वन की जगह पर पी पी वन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये वन नहीं रहेगा, एफ वन इक्वल्स टू पी एफ टू इक्वल्स टू पी प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी पी इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पी रूट टू तो है, लेकिन जब ये रूट को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये इस पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा पी और पी, तो टू पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू तो ऑलरेडी है, पी में पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा है ही है। उसके बाद अब क्या होता है कि स्क्वायर से ये रूट तो कट जाएगा लेकिन पी पी का स्क्वायर बचेगा, तो ये रूट हटा तो टू और पी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, तो टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा, तो दोनों में से कॉमन बाहर आएगा टू पी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब वन प्लस कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, टू पी यहाँ पर आएगा, टू पी स्क्वायर अपॉन टू पी स्क्वायर हो जाएगा, और वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ये टू पी से टू पी कट जाएगा वन होगा, और साइन थीटा इक्वल्स टू अब वन आ गया, तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन होगा। अब कैलसी पे हम करते हैं शिफ्ट, ये साइन इनवर्स इंटू वन नब्बे, मतलब थीटा इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आएगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया।